हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये आपके ग्रेड वन का पेपर है और इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन हुए थे, जो पूछे गए थे लास्ट टाइम ग्रेड वन में MPTET, वो हम डिस्कस करेंगे। आज किस टाइप के क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये ग्रेड वन में जनरल इंग्लिश का पेपर मैंने लिया है। जनरल इंग्लिश में जो आपके 8 नंबर के जो पेपर आते हैं, तो 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का था इसमें, कि इसमें पूछा गया था आपको कि ईडियम या फ्रेज का मीनिंग बताइए। इसमें ईडियम या फ्रेज था कि आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी, सी द कलर ऑफ हिज मनी, ये आपका ईडियम है। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि इसका अर्थ बताइए। मेक श्योर दैट ही इज पेड इनफ फॉर इट, मेक श्योर दैट ही हैज नो ब्लैक मनी, मेक श्योर दैट देर आर नो काउंटरफेट नोट्स, या मेक श्योर दैट ही हैज इनफ मनी टू पे। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये ईडियम है, मुहावरा है, कि सी द कलर ऑफ हिज मनी, है ना। जैसे आप कई बार क्या होता है कि आपको मान लो इसका मीनिंग पता नहीं है, तो आप सेंटेंस पढ़िए, आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी बिफोर आई से दैट द कार इज हिज। मतलब कि इसके पहले कि मैं ये कह दूँ कि इसकी ही कार है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इसके पास में पैसा भी है कि नहीं है, है ना। तो आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास देने के लिए पर्याप्त पैसा है कि नहीं है। तो इसका जवाब होगा मेक श्योर दैट ही हैज इनफ मनी टू पे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मतलब कि ईडियम का। ठीक है, दूसरा है, देयर इज अ लार्ज स्वैम दैट दैट हैज टू बी क्लियर बिफोर द कंस्ट्रक्शन कैन बिगेम। देयर इज अ लार्ज स्वैम, देखिए स्वैम का अर्थ क्या होता है। स्वैम का अर्थ होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो जमीन होती है ना, वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, वेट लैंड जिसको बोलते हैं। कई बार जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जमीन खराब हो जाती है, तो उसको स्वैम बोलते हैं। तो स्वैम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वेट लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है इनमें से, है ना। अब देखो, हम ये जानकारी ले रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार जो आपका ग्रेड वन का एग्जाम होगा, उसमें एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए। मतलब कोशिश ये रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। ठीक है, लिटरेचर वगैरह भी हम पढ़ेंगे, है ना। मेरे सारे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ग्रामर का पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो आपको लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी और इतनी ज़्यादा ग्रामर आ गई थी कि उसकी वजह से नंबर कम पड़ गए। तो अपने को वो काम नहीं करना है। ठीक है, लेयर थ्री एजुकेशन पे पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, बिल्कुल बेसिक से, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वो हमको बाय करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आप बताइए इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस अगर हम नज़र घुमाएं, तो इफ़ डॉग इज़ अ मैंस बेस्ट फ्रेंड देन वाई इज़ द वर्ड डॉग अ वर्ड ऑफ एब्यूज़, है ना। द मोस्ट इनक्योरेबल डिसीज दैट मैनकाइंड सफर इज नथिंग बट द डिसीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉलर माइंस आर द मोर डीपर कंपेयर। देखिए यहाँ पे पकड़ में आ रहा है मोर डीपर, मोर भी लगा दिया आपने, फिर डीप में भी ER लगा दिया, तो ये गलत है। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, तो आपको पढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल दो वी ऑफन यूज स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना, इंटरचेंजेबली इन द टेक्निकल सेंस। स्पीड इज नॉट ऑलवेज वेलोसिटी, स्पीड इज नॉट ऑलवेज सिमिलरली नहीं होगा, सिमिलर होता तो आ जाता। एज लाइक दोनों साथ में नहीं आते हैं। द सेम एज, हाँ द सेम एज हो सकता है, क्योंकि एज और लाइक साथ में नहीं आते हैं। तो फाइनली इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा हुआ है वर्किंग पेरेंट्स में फॉर देयर एबसेंस फ्रॉम होम बाय स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन। लिखा हुआ है ओवर एम्फेसाइज, ओवर बैलेंस, ओवर ड्राइव, या ओवर कंपेंशनेट। देखिए, वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो जॉब पे जाते हैं, माता पिता, अब उनके बच्चे को घर पे छोड़ जाते हैं वो। तो जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ना, तो उनको आती है प्रॉब्लम, है ना, काई की प्रॉब्लम, फॉर देयर एबसेंस फ्रॉम होम, क्योंकि वो होम पे प्रेजेंट रहते हैं, या बाय स्पॉइलिंग, जिससे उनके बच्चे जो है वो क्या स्पॉइल हो जाते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम जो होता है, जो वीकनेस होता है, इसका अर्थ होता है ओवर कंपेंशनेट, तो ओवर कंपेंशन होता है उनके अंदर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिस कार ऑन पेट्रोल, चूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज एन एग्रीमेंट। आपने देखा होगा, मैंने अगर किसी ने क्लास बाय करी होगी, तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे से लिया गया है दिस कार ऑन पेट्रोल। तो ये कार किस पे चलती है बताइए, पेट्रोल पे चलती है, एक जनरल फैक्ट है। जहां पे भी जनरल फैक्ट आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, ये रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका, रन्स। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि आई एम श्योर वी हियर वी हर देयर। ऑप्शन है विल फाउंड, विल फाइंड, फाइंडिंग फाइंड। सबसे पहले बात करेंगे आई एम श्योर, मुझे पता है कि वी
हम उसे वहां ढूंढ लेंगे, विल फाउंड नहीं होगा, विल फाइंड होता तो आ जाता, विल फाइंड आ सकता है, फाइंडिंग नहीं होगा, डायरेक्ट इज एम आर चाहिए, फाइंड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आता है, और यहाँ तो बोल रहा है कि हम ढूंढ लेंगे, इसका मतलब ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो। ग्रेड 1 और 2 के लिए कंप्लीट कोर्स आपके Layer 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है, संविदा शिक्षक के लिए Layer 3 एजुकेशन का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वो आपको बाय करना है। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो ऑफर में आप उसको ले सकते हैं, ओनली 700 के आसपास आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, अभी 30% का ऑफर चल रहा है। तो पूरा कंप्लीट ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, आप बाय जरूर करिएगा। लिटरेचर के सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9997765128, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।